हेलो डियर स्टूडेंट्स, माही सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस अपडेट होते रहें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक्स के लिए, वो होता है अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर क्या होता है? तो अपगार स्कोर क्या है, इमीडिएट न्यूबोर्न जो केयर होता है उसका एक पार्ट है। इसके अंदर जितने भी न्यूबोर्न बेबीज होते हैं उसकी हेल्थ कंडीशंस, उसकी केयर कैसे करनी है, किस कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड करना है, तो उसको हम डिवाइडेशन इस अपगार स्कोर के जो स्कोरिंग होती है उसी बेसिस के ऊपर अपन इसको करते हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट होता है बेबी का बर्थ से पहले और बाद में उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो जैसे ही वो बाहर के एनवायरमेंट में आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडप्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके अंदर अब उसकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है उसके ऊपर ये अपगार स्कोर है। तो अपगार स्कोर सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? क्रिएटेड बाय डॉक्टर विर्जीनिया अपगार इन 1952। तो सबसे पहले अपगार स्कोर कब आया था? 1952 के अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अपगार स्कोर इज क्रिएटेड बाय डॉक्टर विर्जीनिया अपगार 1952 के अंदर। ये क्या है, ये फास्ट और फर्स्ट टेस्ट है न्यूबॉर्न्स के लिए, और इसके अंदर क्या होता है, क्विक असेसमेंट होता है न्यूबॉर्न्स का कि उसकी कंडीशन क्या है। तो अब हम देखते हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो अपगार स्कोर होता है ये थ्री सिस्टम असेसमेंट और थ्री सिस्टम को क्या करता है, असेस करता है। फर्स्ट सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड है आपका कार्डियोवास्कुलर, थर्ड जो है आपका है वो नर्वस सिस्टम, क्या आपका नर्वस सिस्टम। तो ये इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अपगार स्कोर इज बेस्ड ऑन व्हाट ऑल आर सिस्टम्स, मींस रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस सिस्टम। तो एक्सेप्ट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, चौथा कोई भी सिस्टम दे सकता है, तो आपको उसको हटाना होगा क्योंकि ये थ्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स की बात करते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये अपगार स्कोर बेस्ड है। तो पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इसके फाइव पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं? फाइव पैरामीटर्स। ये फाइव पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है ए, नाम ए, पी जी ए आर, तो ये नाम है अपगार, इसी के अंदर आपके अपने पैरामीटर्स हैं। ए फॉर अपीयरेंस, मीन्स उसके बॉडी का कलर कैसा है, पेल है, येलो है या पिंक है, ऐसा है। पी स्टैंड फॉर पल्स, मीन्स हार्ट रेट। जी फॉर ग्रेमिस, रिलेटेड टू द रिफ्लेक्सेस। ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी, मीन्स उसकी मसल स्टोन कैसी है। आर इज फॉर द रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन कैसा है। तो इन फाइव पैरामीटर्स के बेस के ऊपर ही अपन क्या करते हैं, अपगार स्कोर एसेस करते हैं। जो ए अपीयरेंस के लिए है, पी पल्स रेट होता है, जी ग्रेमिस रिफ्लेक्सेस होते हैं, ए एक्टिविटी मसल स्टोन होता है, आर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो ये फाइव पैरामीटर्स होते हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है अपने कि इसका टाइमिंग क्या है, कब इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए अपन बात करते हैं इसका टाइमिंग क्या है, इसको कब हमें करना चाहिए न्यू बॉर्न जब जन्म लेता है। तो इसके अंदर जो टाइमिंग है परफॉर्म टेस्ट, किस समय हम इसको करते हैं, तो इसकी टाइमिंग होती है आफ्टर बर्थ वन मिनट। क्या होता है, जब भी बेबी का जन्म होता है उसके बाद में फर्स्ट मिनट के ऊपर हम क्या करते हैं, ये अपगार स्कोर करते हैं। उसके बाद आता है 5 मिनट, फिर आता है 10 मिनट। तो अब हम मेनली इसके अंदर दो ही होते हैं, मेनली इसके अंदर
दो बार ही ये अबगार स्कोर किया जाता है, एक 1 मिनट पे एक 5 मिनट पे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट मिनट के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर अगर एब्डोमिनलिटी एक जैसी रहती है तो हम क्या करते हैं 10 मिनट्स पे भी अपन क्या करते हैं स्कोरिंग देखते हैं, ये 5 पैरामीटर्स को एसेस करते हैं। अगर 10th मिनट के ऊपर भी अगर इसकी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसके नंबरिंग्स के अंदर इंक्रीज नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं 15 मिनट्स पे भी जाता है और 20 मिनट्स में भी जाता है। बट मेनली अगर बात करते हैं तो वो दो बार ही किया जाता है, फर्स्ट मिनट पे और 5 मिनट के ऊपर। तो जब भी अगर अपन टेस्ट करते हैं अबगार स्कोर, तो फर्स्ट मिनट के ऊपर जो भी रीडिंग्स आती है, क्वांटिटेटिव वैल्यू जो आती है, उस वैल्यू को अपन डिस्कस करते हैं और उस वैल्यू के बेस के ऊपर अपन उसकी कंडीशंस क्या आती है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं 5 मिनट के ऊपर एक बार और अबगार स्कोरिंग करते हैं, उसके जो भी 5 पैरामीटर्स रहते हैं उनको अपन वापस एक बार चेक करते हैं। तो अगर फर्स्ट मिनट के अंदर जो अबगार स्कोर की रेटिंग्स आई है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के अंदर डिफरेंस आता है, मीन्स इसकी वैल्यू 5 मिनट्स के ऊपर इंक्रीज होती है, तो हमें ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर सेम कंडीशन रहती है तो उस समय क्या होगा, हमें 10 मिनट्स के ऊपर 15 और 20 मिनट्स के ऊपर भी हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। अगर इन सभी 20 मिनट्स के अंदर ही अगर उसकी उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज है। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं कि कब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे स्कोरिंग। तो इसकी स्कोरिंग जो होती है वो 0 to 10 होती है स्कोर। क्या होती है इसका स्कोरिंग कैसे होता है, वो होता है 0 to 10। लोवेस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 10 है। इसके अंदर 5 पैरामीटर है और ईच पैरामीटर के अंदर 0 to 2 वैल्यूज होती है। 0 to 2, 0, 1 and 2। क्लियर? तो 5 होगी, तो 5 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 10। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है। तो जो भी अबगार स्कोर आएगा उसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में होगी। तो अब अपन देखते हैं कि वो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए अपन अपने पास टेबल बनी हुई है, एक टेबल है, और इस टेबल के द्वारा हम देखेंगे कि जो भी इसके पैरामीटर्स हैं उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने इसकी स्कोरिंग निकाली। तो इसके लिए ये ए पी जी ए और आर, ये 5 पैरामीटर्स हैं, इसको हम एसेस करेंगे। एक क्या होता है अपीयरेंस और कलर। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो कलर होता है वो एसेस किया जाता है। तो सबसे पहले अगर उसकी बॉडी फुल बॉडी क्या है ब्लू कलर में है, मींस नीली है, ब्लू कलर क्या होता है कि वो साइनोसिस कंडीशंस होती है, तो साइनोसिस कंडीशन के अंदर अपन क्या देंगे उसको 0 मार्क्स देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, इफ द एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, मतलब कि हाथ पांव ब्लू है और बॉडी पिंक है, तो हम उसको देंगे 1 मार्क। अगर उसकी फुल बॉडी पिंक है तो उसकी कंडीशन क्या है 2, मींस बहुत अच्छी कंडीशन है उसकी। क्लियर? ये हो गया आपका अपीयरेंस का, कलर का। अब आती है पल्स रेट, मींस उसकी हार्ट रेट क्या है। तो अगर उसकी हार्ट रेट एब्सेंट होती है तो हम देंगे उसको 0 मार्क्स। अगर उसकी हार्ट रेट बिलो 100 है पर मिनट तो हम देंगे उसको 1 मार्क, और उसकी हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा है तो हम देंगे उसको 2। ओके? तो अपन बात करते हैं ग्रिमिस और रिफ्लेक्सेस की, कि उसके अंदर रिफ्लेक्स कैसे हैं, वो किस उसका रिएक्शंस कैसा है जब भी हम उसको टच करते हैं या उसको उठाते हैं या कोई भी सेंसेशंस होता है उसके, वो रिफ्लेक्स कैसे होता है। अब इस बात करते हैं, अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है टच करने के ऊपर या फ्लैपी टाइप कंडीशंस होती है, तो उस समय हम उसको क्या देंगे 0 मार्क्स देंगे। अगर उसके अंदर मिनिमम रेस्पॉन्स है, बहुत कम रेस्पॉन्स है, हल्का सा स्टिमुलस है और रिफ्लेक्स को ज्यादा नहीं करके बहुत कम कंडीशन के अंदर उसको रिफ्लेक्स देता है, तो उस समय हम करेंगे उसकी 1 रेटिंग्स।
अगर वो फुली रेस्पॉन्स होता है रेफ्लेक्सेस को, स्टिमुलस को, वो देखता है वापस उसको रेस्पॉन्स भी करता है, तो उस समय हम देंगे उसको 2 की रेटिंग्स। ओके, अब अपना फोर्थ आता है वो है एक्टिविटी और मसल स्टोन। तो एक्टिविटी क्या है, उसकी मसल स्टोन क्या है, उसके मसल्स कैसे काम करते हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी हलचल नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो हम देते हैं उसको एब्सेंट, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एब्सेंट है एक्टिविटी, तो हम उसको देंगे 0 मार्क्स। अब बात करते हैं फ्लेक्स द आर्म्स। अगर वो अपने आर्म्स को, लेग्स को फ्लेक्स करता है, तो उस कंडीशन में हम 1 मार्क करेंगे। अगर उसकी एक्टिविटी फुल है, फुल फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, अच्छे से उसके मसल स्टोन वर्क कर रही है और फुल रेस्पॉन्स है, तो हम उसको देंगे 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द रेस्पिरेशन, मींस व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है, देन वी हैव टू गिव 0 मार्क्स। अगर इरेगुलर है, स्लो है, वीक क्राई है, तो हम देंगे उसको 1 मार्क्स। अगर उसकी क्राई ज्यादा है, अच्छी क्राई है, गुड है, वाइग्रेसली अगर वो क्राई करता है कंटिन्यूसली, तो उस कंडीशन हम देंगे उसको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से इस पूरे टेबल के अंदर अपन जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उनको अपने डिस्क्राइब किया कि उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसके जो भी पैरामीटर्स है उसको हमने डिवाइड किया 0, 1 और 2 के अंदर। तो इन सबको अगर अपन कंबाइन करते हैं तो अपने पास स्कोर आता है 0, 5 और 10। तो मिनिमम 0 है, हाईएस्ट 10 है, इसका मतलब आपका अबगार स्कोर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 to 10। ओके, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर रिमार्क्स कैसे होगा, किस तरीके से हमें कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी वैल्यू के अंदर, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका 7 to 10 अगर आपका रिमार्क है, तो कंडीशन क्या होगी आपके, नॉर्मल कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम कौन सी केयर देंगे, रूटीन केयर। मींस अगर वैल्यू 7 to 10 आती है तो उसकी नॉर्मल कंडीशन है, उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है, वो सरवाइव कर सकता है, उसको किसी भी इमीडिएट केयर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ऑक्सीजनेशन की आवश्यकता नहीं है, उसको रूटीन केयर होती है, वो हम उसको दे सकते हैं। तो ये जो 7 to 10 है, वो जो वैल्यू आती है वो बहुत अच्छी है, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होगी और अच्छी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 to 7 की अगर कंडीशंस आती हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडरेट डिप्रेशन। क्या होता है मॉडरेट डिप्रेशन, मीन्स उसकी कंडीशन बेटर नहीं है, मीन्स उसको किसी भी केयर की आवश्यकता है, इमीडिएट केयर की, इमरजेंसी केयर की आवश्यकता होती है, तो इस समय उसको किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। किसकी होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और रूटीन केयर की भी आवश्यकता होती है, और उसकी आवश्यकता किसकी होती है, वेंटिलेशन की। किसकी, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन कौन सा होता है, CPAP। तो CPAP वेंटिलेशन है, इसके द्वारा उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। CPAP क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो यहां पे इसको CPAP के द्वारा जो वेंटिलेशन होता है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो उसको इस केयर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है आपका इसकी वैल्यू 0 to 3 आती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सीवियर डिप्रेशन। मीन्स उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको इमीडिएट CPR की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। मीन्स उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 to 3। 0 to मीन्स हर एक चीज एब्सेंट होगी, क्या इसमें से एक एक वैल्यू ही होगी, तो मीन्स उसकी कंडीशन क्या है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, उसको इमीडिएट केयर की आवश्यकता होगी, वो भी कौन सी, CPR की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू के बेस के ऊपर हम किसी भी न्यूबॉर्न की हेल्थ कंडीशन बता सकते हैं, और उसको कौन सी केयर हमें प्रोवाइड करनी है वो हमें इस अबगार स्कोर के द्वारा मालूम हो जाता है। तो अब अपना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं
कि अपने पास पैरामीटर्स हैं, वैल्यू भी अपने को पता है 7 to 10, 4 to 7, 0 to 3। अगर अपन कोई एग्जांपल लेते हैं कि उसकी एक्रोसाइनोसिस कंडीशंस हैं, तो जो ये कंडीशंस आती है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू और बॉडी पिंक है, इसको अपन एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया कि उसकी कंडीशन एक्रोसाइनोसिस वाली है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट एबो 100 है, फुल रेस्पॉन्स है उसका। नेक्स्ट कंडीशन दे दी उन्होंने, फ्लेक्स आर्म्स है और उसकी जो रेस्पिरेशन है वो स्लो और इरेगुलर है। तो इस तरीके से अगर अपन अपगार स्कोर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि इसकी अगर क्यूमुलेटिव करते हैं तो उससे हमें अपगार स्कोर मिल जाएगा। जैसे कि एक्सट्रीमिटीज एपियरेंस 1 है तो 1+2, क्योंकि हार्ट रेट एबो 100 है, ग्रेमिस फुल एक्टिविटी है +2, फिर आती है आपकी फ्लेक्स आर्म्स है एक्टिविटी +1, रेस्पिरेशन आपका स्लो इरेगुलर है +1, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसका स्कोर आता है। 7 स्कोर आ रहा है मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन के हैं, नॉर्मल कंडीशन में, तो इसमें इसको रूटीन केयर की ही आवश्यकता होती है। दूसरे एग्जांपल्स और आते हैं इसके अंदर कि उसकी रेटिंग्स कम आती है, स्केल्स कम आती है, तो उस समय हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी केयर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये होता है अपगार स्कोर। तो इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट मिनट के ऊपर जो भी अपगार स्कोरिंग की रेटिंग्स आती है वो हमें 5 मिनट्स के बाद में उसको वापस एसेस करना होता है। तो अगर दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट होता है कि फर्स्ट मिनट पे अगर 5 रेटिंग है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट अलग अलग होता है तो इसको एडेप्शन होने में टाइम लगता है। तो अगर नेक्स्ट 5 मिनट के ऊपर इसकी कंडीशन 8 हो जाती है तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए नो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मीन्स रूटीन केयर के द्वारा हम उसकी केयर कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का अपगार स्कोर। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो ये अपगार के अंदर एपियरेंस आता है, रेस्पिरेशन सिस्टम भी इंक्लूड है इसके अंदर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इंक्लूड है, तो एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन रेट काउंट होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि अपगार स्कोर के अंदर रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर काउंट नहीं होता है, नॉट इंक्लूड। इसलिए नहीं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसके अंदर इसमें इंक्लूड है, तो ये क्वेश्चंस बनता है कि रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर इसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा आपका, नॉट इंक्लूड, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आज अपन ने डिस्कस किया अपगार स्कोर, इसकी क्या वैल्यूज है, क्या इसकी स्कोरिंग्स होती हैं। एक और चीज, इसके अंदर काफी डॉक्टर्स वगैरह हैं जो इस अपगार स्कोर से सेटिस्फाई नहीं है, क्या नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, एक कंबाइंड अपगार स्कोर बनाया। क्या बनाया, कंबाइंड अपगार स्कोर। तो इसकी जो स्केल की रेटिंग थी वो थी 0 to 17, और जो अपना अपगार स्कोर है जो डॉक्टर विजय ने अपगार के द्वारा किया था उसकी वैल्यू आती है 0 to 10, कंबाइंड ये क्या आती है 0 to 17 आती है। इसके अंदर इंटरवेंशन भी इंक्लूड करते हैं, कौन सा इंटरवेंशन आपने किया है उस बेसिस के ऊपर इसकी जो स्कोरिंग होती है वो कहां पहुंच जाती है 17 तक 0 to 17। तो इस तरीके से आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, वो था अपगार स्कोर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।